अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। एक ज़रूरी ऐलान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, वीकेंड कर्फ्यू रहने की वजह से कर्नाटका में 8 तारीख का रायचूर का कैंप जो है कैंसल हो गया है। 8 तारीख के बदल में मैं 7 तारीख को, यानी जुम्मा के दिन, इंशाल्लाह 7 तारीख को जुम्मा के दिन कर्नूल में देखूंगा पेशेंट्स को सुबह फजर के बाद से इंशाल्लाह, और शाम के 6-7 बजे के अंदर जो है कैंप कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। 7 तारीख को इंशाल्लाह जुम्मा के दिन, और बाकी 9 तारीख का कर्नूल, 9 तारीख को मैं इंशाल्लाह कर्नूल में देखूंगा इंशाल्लाह, एज यूजुअल एवरी मंथ के जैसे ही कर्नूल में हर महीने की 9 तारीख को इंशाल्लाह। 8 तारीख को जो है नहीं देखूंगा इस बार। 8 तारीख को कर्फ्यू रहने की वजह से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी जो है लॉकडाउन का पालन करें, और जो भी लोग आ रहे हैं मास्क लगा के आएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे फॉलो करें, और बेफजूल बाहर मत जाएं, ठीक है। वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इंशाल्लाह हर महीना अगर कर्फ्यू नहीं होगा तो 1 से 5 गुलबर्गा, 6 बीदर, 8 रायचूर, 9 कर्नूल, लेकिन ये महीना जनवरी में 2022 इंशाल्लाह रायचूर में 7 तारीख को देखूंगा मैं इंशाल्लाह, 7 तारीख, 6 तारीख को बीदर कल इंशाल्लाह रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल रायचूर में, बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी इंशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। वालेकुम साबिर अली जी। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सरफराज जी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फोन नहीं किया डॉक्टर साहब आप। अरे आप फिर से नंबर दियो, बिकॉज़ मैं कंटीन्यूअस आपको याद कर रहा हूं, मैं कॉल करना बल्कि मैं नोट डाउन जिस नंबर पे किया ना बुक पे, वो बुक जो है मेरी ऑफिस में ही छोड़ दिया, और मेरा असिस्टेंट वहां से भी नहीं भेजा, सॉरी। एक मिनट, आप तो भी करना था ना? मेरे पास नंबर का है आपका, बोलो, मैं मिस कॉल मार देता हूँ, अब सेव कर लो। ठीक है, बोलो। 96 बैटरी डाउन। अभी जस्ट काम खत्म करके आया मैं। हाँ वही मैं उसे समझ गया, फोन नहीं किया तो मतलब भूल जाएंगे, मैं रास्ता नहीं का आपका, मतलब बिजी हो जाएंगे तो भूल जाएंगे आप। पेन भी नहीं है ना? आप एक काम करो, जो है आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करो। किया मैंने मैसेंजर पे आपको मैसेज। क्या नाम है बोलो आपका? बाबू शेख नाम के, बाबू शेख नाम से आईडी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ अभी, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे मैसेजेस हैं तो देख लेता हूँ अभी इंशाल्लाह। इजीली मतलब आप भूल जाएंगे, वही सोचा मैं, मतलब रास्ता देगा फिर मैं मेरी वाइफ को बोलेंगे डॉक्टर साहब के पास काम बहुत रहता, भूल जाएंगे बोला डॉक्टर साहब। मैं नहीं भूलता हूँ, लेकिन जो है पेशेंट्स का फ्लो में और जो है लोगों का दवा भी बनाता हूँ ना, तो कंटिन्यूअस बिजी था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट,
बट इंशाल्लाह अभी मैं पक्का बात करता क्योंकि हूँ अभी गया था लास्ट टाइम डॉक्टर के पास में, बहुत तकलीफ हो रही पेट में। वो क्या बोलता है कि लिख के दिया, उसने बोलता है कि उसमें जाके दिखाओ, पेट में कैमरा डाल के चेक करेंगे, लगता है कि छाले तो नहीं आ गए घर के। नो वरी नो वरी इंशाल्लाह अभी मैं जैसे ही लाइफ खत्म होगा आपको पक्का कॉल आ जाएगा मैं इंशाल्लाह सोऊंगा ठीक नहीं है रात ना को, रास्ता मेरी देखूंगा तरफ फिर। से। आप सोने से पहले मैं बिल्कुल आपसे बात करके सोऊंगा ये मेरी बात है ना ठीक है पक्का इंशाल्लाह। वही इंशाल्लाह लाइफ आई में वाला पहले मेरे को मैसेज करो, डॉक्टर साहब लाइफ आई वाला पहले बात कर लेता हूँ, देखता हूँ। मैं अच्छा करे डॉक्टर साहब करो यार, मैं रास्ता देखता हूँ फोन बिल्कुल का। आप मैसेंजर पे मैसेज करो, मैं नंबर भेजता हूँ आपको, फिर आप बिल्कुल फोन करो। इमीडिएटली कॉल बैक ओके ठीक है ओके ना चलो, कैरियर देना साहब। ठीक सब अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर। ठीक है तो माफी चाहता हूँ कि कुछ लोग दो तीन कॉन्टेक्ट उस दिन मैं सेव करा था बात करने के लिए तो जैसे ही लाइफ खत्म हुआ तो इमीडिएटली जो है एक दावत पे चला चला गया मैं इमीडिएटली जैसे ही वो खत्म हुआ दूसरे दिन सुबह मुझे जो है गुलबर्गा के लिए निकलना था तो नहीं कर पाया लेकिन अभी इंशाल्लाह बात कर लूंगा। हमें जम्मू एंड कश्मीर से हैं आपसे मिलना है आपका नंबर मिलेगा। रान लीक भाई इंशाल्लाह जरूर आप जो है मुझे मेरे दिए गए नंबर्स पे जो है व्हाट्सएप करें इंशाल्लाह और मैं जहाँ जहाँ भी आऊँगा मैं अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह जहाँ पर भी आपको जो है सहूलत है वहाँ वहाँ पे आके मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्तमाश खान भाई वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई हेलो। नजमुद्दीन खान भाई वालेकुम अस्सलाम। शिवानी जी अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत जी अल्लाह करम भैया जी कहाँ से हैं जी, मैं निजामाबाद से हूँ जी बोलिए। भैया। कल मैं आपको फोन भी करा था और मैसेजेस भी करा था कल, और आज भी करा, तो वे आप जी कल जी आ रहे क्या बिल्कुल बोल के बिदर के लिए, आपको ये करा। बिल्कुल इंशाल्लाह कल मैं आ रहा हूँ बीदर में वही क्योंकि वो ठीक है पीने की दवा इंशाल्लाह। के लिए बोला था, ड्रिंक के लिए। है दवाई है इंशाल्लाह कल आके मुलाकात कीजिएगा ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं अभी रात में 4 बजे से निकलने के लिए तैयार होके बैठ गया, क्योंकि मैं ठीक आपके फेसबुक पे भी है ठीक है पूरे हाँ मैसेजेस और वगैरह, पूरे वीडियोस वगैरह पूरे देखे हैं। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा जजाक अल्लाह बस आपकी ठीक है बात ना पे यकीन है, मेरे को अल्लाह के ऊपर यकीन है, बस वही उसलिए बस बस निकलना है मेरे को कल। अल्लाह पे यकीन रखिए और बेफिक्र रहिए जो शराब छुड़ाने की दवा है बेहतरीन रिजल्ट है पहले खुराक में ही इंशाल्लाह उनकी शराब छूट जाएगी जिनकी भी आप छुड़ाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा मैं। इंशाल्लाह 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 ठीक कल आऊंगा भैया फिर आपके यहाँ, ठीक है ना बिल्कुल जी। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दिलशाद खान भी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली जी कॉल मी अर्जेंट प्लीज और हम सब खाना खाएंगे। आइए बादशाह जी खाना खाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब वालिद को मैसूर लाया था कमजोरी को साथ बोतल से पाउडर दिए थे कम आप पार्किंसन लग रहा है पर कोई दवा दिए थे क्या कर रहे डॉक्टर साहब। सैयद शुहाब भाई इंशाल्लाह 17 तारीख को मुझे आप मैसूर में मिलिए इंशाल्लाह। नासिर बाग़बान भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद गौस भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है। मोहम्मद अली जी अभी आप ही को कनेक्ट किया हूँ आप जो है बात कर अस्सलाम सकते वालेकुम हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया खाना नहीं, अभी आपका खाना है मेरे को। आपका जी खाना जी हो जी गया? जी और बताइए क्या हाल। हाँ जस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप?
हेलो वालेकुम अस्सलाम। तो अशरफ खान भाई, हकीम साहब आपका नंबर दीजिए। मेरे नंबर्स प्रोफाइल पे अपडेट हैं, इंशाल्लाह आप जो है बात कर सकते हैं प्रोफाइल पे कनेक्ट करके। एजाज मालिक भाई वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अस्तिकर भाई वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप चित्रदुर्गा कर्नाटक भी विजिट करो, इंशाल्लाह बहुत मदद होगी यहाँ के लोगों को। इंशाल्लाह सलमान भाई, इंशाल्लाह दुआ कीजिए। पठान भाई वालेकुम अस्सलाम। गुलाम ए रज़ा भाई प्लीज़ जवाब दीजिए, इंशाल्लाह बोलिए जो भी बोलना है। तो मोहम्मद रफ़ीक भाई वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह वबरकातुहू। होसुर को मैं इंशाल्लाह आऊँगा 18 तारीख को। डार्लिंग रफ़ी, डार्लिंग रफ़ी भी हेलो। तो इसरार खान भाई वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कैसा नहीं वजह थे आपके पेशेंट, शर्ट तो पहन लो, बोलो ज़रा। फराइश खान जी, तो रैंडमली रिक्वेस्ट भेजते तो यहाँ पे देखो मुझे अभी फिर जो है 15-20 रिक्वेस्ट आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा कुछ पहन के आए लाइव वीडियो पे जो भी कनेक्ट कर रहे हैं। कॉल मी भाई, एक प्रॉब्लम बहुत है, इंशाल्लाह ज़रूर। शरीफ जमादार भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान भाई बिल्कुल बिल्कुल। अयान भाई गोवा, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। समीर भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद एजाज भाई वालेकुम अस्सलाम। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, रायचूर का कैंप जो है 8 तारीख का जाके 7 तारीख को हो गया, तो 7 तारीख को इंशाल्लाह मुझे रायचूर में मिले। 7 तारीख को सुबह फजर के बाद से इंशाल्लाह मैं देखूंगा पेशेंट्स को। यासीन खिलजी जी वालेकुम अस्सलाम। शेख रहमत भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली भाई रिक्वेस्ट भेजिए, मोहम्मद अली भाई। आपका हर वीडियो बहुत अच्छा, और हर वीडियो में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नजमुद्दीन खान भाई बिल्कुल, जो कुछ भी हो रहा अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के जिक्र से ही जो है इतना जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में शफा हो रही, शिफा शिफा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फराइश खान जी, ओके, मेरे को भी थोड़ा माइग्रेन प्रॉब्लम है, 5 ईयर्स से लेफ्ट साइड पेन होता 2 डेज एंड 2 राइट सीवियर पेन होता। रेमेडीज अपलोडेड हैं, आप फॉलो कीजिए इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन चीज़, और भी बेहतरीन रेमेडीज लेकर मैं आप तक आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अरबाज खान भाई, डॉक्टर साहब पार्किंसन की दवाई लिया था, ख़त्म हो गई, ऑनलाइन मंगाना है, तो मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, भिजा देंगे इंशाल्लाह। सलीम खान भाई, डॉक्टर साहब कॉलिंग नंबर, मेरा प्रोफाइल ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे नंबर्स आपको नज़र आ जाएंगे, आप आसानी से बात कर सकते हैं मेरी टीम से, फिर इंशाल्लाह अगर ज़रूरी है तो मुझसे भी बात करा देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम हेलो वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत साहब, मैं फोन भी किया था साहब आपको। हाँ, जी? कल इंशाल्लाह गुलबर्ग है वो इधर में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपके इंशाल्लाह पूरे पूरे इंशाल्लाह वीडियोस देखता हूँ सर, जी, और बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। सुमा मैं खुद गुलबर्गा भी आया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अभी मेरे जी बहन को और मेरे भोने को ले लेके आ रहा हूँ आपके पास। जी जी इंशाल्लाह, मैं आपके जी हर वीडियोस देखता हूँ साहब। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। आपके खुशी से आपसे मिलने के वास्ते मैं आप गुलबर्ग आया था मैं।
मुलाकात में भी आपसे बाहर देख जी लिया, निकल गया टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आपके अरे फॉर्मूले जो आप देख, भेंडी का था, मेरा घुटने का दर्द कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं आके कल आपसे जरूर मुलाकात करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंतजार रहेगा मैं आपका। हर वीडियो आपको देखता हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी इतने अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं यार। अतुल्ला साहब, अतुल्ला साहब जी सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आ सो गया इंशाल्लाह। मैं आपसे, मैं बात करके आपसे इतनी खुशी हो रही, मेरे को कुछ बात करना नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ आपके, कोई वीडियो मिस नहीं करता हूँ आपका मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जजाकअल्लाह खैरन कसीरा। इसी इंशाल्लाह तरह बहुत सारा इलम आप लोगों के इंशाल्लाह ला के रख दूंगा आप लोगों के दस्तर पे, जी, खूब मैं सीख जाओ बोला ना, इंशाल्लाह। मेरा घुटने का दर्द इतना था कि मैं कुछ चलना नहीं आ रहा था। वो आप जो भेंडियों का जो बोले जी थे फार्मूला, मैं इंशाल्लाह वो भेंडियों का मैं एक 6 दिन खाया, मेरा पूरा दर्द चले गया। अभी चलो जो थोड़ा है बस आपको मुलाकात करा तो बस आपसे मुलाकात करके बोलूंगा बोल के है मैं वहीं से निकाल दूंगा इंशाल्लाह, आ जी। जाओ आप। मैं तो हैदराबाद से हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदराबाद कब आते कि आप? जी दुआ करो इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे हैदराबाद में जो है मैं आप लोगों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह लेकर आए। आपके बोला ना, मैं हर वीडियो में इतना, मैं बहुत दिन बहुत 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 ट्राई करा। आप इंशाल्लाह कल मुलाकात है, आज रिसीव हो गए आप। चलो अल्हम्दुलिल्लाह कई कॉलिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह। बात करेंगे, सोचा कभी दिल नहीं हुई बात। चलो आज बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह साहब, जज़ाकअल्लाह। बारकअल्लाह। तो अल्लाह का एहसान है, बस यही खुशी होती जब आप लोग जो है रेमेडीज से फायदा उठाते और एक खुशहाल और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारते। तो अल्लाह ताला इसी तरह मेरे से इंशाल्लाह जब तक मेरी जान है खिदमत लेते रहें दे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक से एक जो है मिरेकल जो है रिजल्ट्स लेकर आऊंगा आपके पास, और बहुत जबरदस्त रेमेडीज इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। तो मोहम्मद जफरुद्दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। गुलबर्गा में मुलाकात हुई थी एक बार, जी ये 1 महीने की दवा लिए थे लास्ट टाइम 5 तारीख को गुलबर्गा में। हाँ, जी गुलबर्गा आना नहीं हुआ, कल बीदर आना बोल के सोच रहा हूँ। कल बीदर में आते कल आने क्या? का सोच रहा हूँ। बिदर से 60 किलोमीटर है अपना गांव। जी, आ जाइए इंशाल्लाह, कल मिलूंगा आपसे आपसे। नंबर लेने के लिए कैसा, फोन पे तो नहीं दे रहे ना नंबर? हाँ वहीं पे आए तो अच्छा रहता। आए तो जरा टाइम होता ना, अम्मी मम्मी अम्मी को लेके आने का था। आपका नाम जहीर, बोलिए। जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन, ठीक है, आप जो है कल आते ना जहीरुद्दीन बोल के एक चिट्ठी में लिखकर मेरे असिस्टेंट उनको दे के भेज दीजिए अंदर, मैं देख के इंशाल्लाह बुला लूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सेकेंड टाइम दवाई लेने के लिए विजिट करना जरूरी है या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन से भी सेम जो है आप दवाई चिट्ठी भेज के मंगा ले सकते हैं इंशाल्लाह। ये हर बीमारी का इलाज है मोहम्मद हजरत जी इंशाल्लाह। तो सैयदा नगमा जी, वालेकुम असलाम, करनूल इंशाल्लाह हर महीना 9 तारीख को, तो बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी। शमशीर भाई वालेकुम सलाम, अनवर जी वालेकुम असलाम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन आपसे बात करनी है तो इंशाल्लाह राजस्थान से जो है इमरान भी, वालेकुम सलाम।
एलर्जी के बारे में बताइए, कैसे लगाते हैं बताइए आज के। इंशाल्लाह जरूर, एलर्जी के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जो है फॉलो कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। बीदर में इंशाल्लाह जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाजा चुन्ना भट्टी। वालेकुम सलाम आमिर जी। तो मोहम्मद जुबैर जी, वालेकुम असलाम, ढेरों मोहब्बतें और दुआएं, अलैकुम सलामत रहें पाकिस्तान। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अत्तरी जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हमें वबरकातुहु। अल्लाह खैरियत? फजल हमें हासन वाले आताउल्ला साहब, जी मैंने जी जी बोलिए बहुत बोलिए। दिन से तुमने हासन को मैं तुम्हारे शागिर्द को भी फोन करके बोलिया, एक बार विजिट करा हासन जी को। हासन को एक इंशाल्लाह एक टाइम विजिट करो। आवाज डाल रही कौन? हाँ हाँ इंशाल्लाह हासन को एक टाइम आती इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे। सिर्फ सिखाने के लिए आता हूँ हाँ जाता वो हूँ चाहो इंशाल्लाह। तुम बहुत और तुम्हारे कने बात करके इतनी खुशी हो रही है, अब बहुत खुशी हो रही है। ना। ये मैं आवाज डाल रही कौन हो बाजू? ये मुझे घुटने का बहुत दर्द है, और एक पाँव में अब खड़ा तो दर्श मैं टू व्हीलर मैकेनिक। जी वो क्या हो रहा था तो अब रहते रहते यहाँ एक पाँव में इतना पूरा दर्द, और आपको और ये कोहनी में दर्द, ये कोहनी में। और ती काम करते ना उस्ते की क्या तभी? आप एक काम करो, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे दिए गए नंबर्स पे जो है डिटेल लिख के भेजो। आपको होम रेमेडी होना तो होम रेमेडी भेजते, नहीं आपको दवा होना तो दवा भेजते थे, ठीक है मई ना? 17 तारीख को मैसूर को आएंगे को अथा तुम्हें आती ना, वहां का एड्रेस मालूम नहीं हो। हाँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, भेज देते हैं एड्रेस और मैं मैसूर आने से पहले अपलोड कर देता हूँ, ठीक है हाँ ना? मैं और आना तो, और मई भी हमारे वाइफ आती बद। आ इंशाल्लाह तुम्हारा खास गांव इंशाल्लाह। को सा मेरा खास गांव शिमोगा। शुमोगा की बहुत, और जी हमारे अम्मी को भी बहुत घुटने का बहुत दर्द है। हमारे अम्मी को रहती बुला ले गाना तो रहती अम्मी मुश्किल हो चे। घर और बैठे बाल, तैयार होते इंशाल्लाह। हाँ इंशा, और बाल को क्या करना पड़ता? बाल मेरे पूरे चलेगी मुझे 35 साल। हाँ बालों के सारे रेमेडीज डालियो, रीठा मिलता पंसारी के दुकान में, रीठा हाँ रीठा हाँ रीठा रीठा, हाँ वो रीठे को रात को पानी में भीगने डालो, सुबह ही वो शैम्पू हाँ बन जाता, उससे नहाना, हाँ बाला नहीं हाँ झड़कर अच्छा इंशाल्लाह। मुझे बालिश नहीं वैसा क्या तो भी आने क्या तो भी है कि। दवाई है इंशाल्लाह, आप कांटेक्ट हाँ करो मुझसे इंशाल्लाह, फॉलो अप तुम्हारा करते हैं। तुम्हारा नंबर को सा उसमें को मैं बल्ला के टाइम फोन करा। आप ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको नंबर्स दिखाई देते हैं मेरे, हाँ हाँ सब खैरियत है। ठीक है? सब अल्लाह का शुक्र बहुत तुम्हारा एक वीडियो भी मिस करता नहीं मैं। जजाक और तुम्हारे से का अल्लाह सेम, तुम्हारे से का एक हमारे खाला के बेटे ही सेम सेम का तो डिटो कॉपी इंजीनियर का इंजीनियर और हो क्या। हमारे खाला के राखिब, राखिब को सेम उसकी उनकी फोटो में आना तो तुम्हारे कने एक मार लगा तो फोटो उनकी। फोटो भेज दो, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह क्या सुबह बोलते हुआ तो भेज, तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर को भेज भेज दो। तुम्हें रति गोरे ही उन्हों हैं। रति सवले ही। इंशाल्लाह देखेंगे मेरे हम शक्ल को, और देखो तुम्हें ठीक है? मान देना मई से घबरा होगा, इतनी सेम सूरत इतनी ये सेम डिटो। ये चलो हमारे अम्मी को वॉच अभी भेजना खाना डॉक्टर साहब। हाँ भेजा गया। और एक नया हाँ फार्मूला है, मैं कैंप खत्म हाँ होते ही इंशाल्लाह एक ऐसा फार्मूला अपलोड कर दो जिससे हाँ घटिया होना और पूरे हाँ जॉइंट में दर्द होना, क्योंकि तेल हाँ वाला है ना तो दर्दाम बढ़ जाते, हाँ क्या हाँ है तो हाँ डायरेक्ट पेट में जाके कैल्शियम बनता, वो सारी चीजें हाँ इंशाल्लाह थोड़ा फ्री होते ही हाँ मैं बोल।
तुम्हें तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप में डाल दे तो भी अच्छा हम ना हम हाँ ओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबे खाना हुआ गया? खाना हो गया? खाना तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हो गया हो गया। अब कहाँ ही? अब तो मैं गुलबर्गा में हूँ। गुलबर्गा में इंशाल्लाह एक टाइम तो भी हमारे वास्ते तुम्हें आको एक टाइम हसन में विजिट देखो जाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहाँ चाहने वाले ही वहाँ इंशाल्लाह आएंगे नहीं ठीक बहुत है ना। बड़ी तुम ना मैं बोल रहा ना तुम्हें आ रहे वीडियो देखो हमें एक दूसरे को भी बोल रही है मैं ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसे डॉक्टर साहब भाई ऐसा बोल रही ऐसा कर रही को बहुत जने को बोल रही है मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फायदा भी उठा रही ना। ठाई उससे मैं भी खांसी एक के टाइम वास्ते विजिट करना एक तो तू टाइम तुम भूल ना गया। बहुत ख्वाहिश है मुलाकात करना हो और वो इंशाल्लाह खांसी को भी इंशाल्लाह और इसे बोले थे तुम्हें मुनाखा भी काली मिर्ची तीन मुनाखे तीन काली मिर्चा वो खाओ और सेंधा नमक में चार बादाम और मुझे डस्ट एलर्जी भी है वो बादाम भिगा को रात सारी चार बादाम को भून को चाप को बड़ी खाओ को बोले वो भी बोले और थायराइड को काली मिर्ची भी धनिया भीगने धनिया दलाल को सुबह को पानी में पानी में भिगा को वो भी भिगा को पका को खाओ को बोले वो भी देखी हूँ और पाँव को घुटने में दर्द खून सर्कुलेशन होता नहीं रहती उसे ऐसा ठीक है ब्रश करना सामने आप पूरे चीजें फॉलो करो। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ हाँ इंशाल्लाह आपको। ओ आसन में इंशाल्लाह विजिट एक कर टाइम चलो में इंशाल्लाह तुम ना बहुत फुर्सत रही तो एक टाइम आसन को एक टाइम आओ और खास तौर पर मुझे इंशाल्लाह बाल का इंशाल्लाह एक बहुत इससे एक बोलो हाँ इंशाल्लाह 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 ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया दिखता मैं होंदे अस्सलाम वालेकुम। वाले तो क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो एक एक मिनट 2 मिनट ही बात करके कंप्लीट करे तो इंशाल्लाह मैं पॉसिबल जितना ही हो सके उतने लोगों का कॉल लेके इंशाल्लाह उनसे भी जो है बात कर सकूं इंशाल्लाह। हैदराबाद का प्रोग्राम नहीं है अनवर भाई इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी सोचेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद जुबेर भाई वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो 4 स्टेजेस का मरीज है कैंसर का ठीक हो जाएगा अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाल्लाह। कितने भी बीमार रहेंगे तो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो एक रात में भी ठीक हो जा सकते। यूजुअली बहुत पुराने बीमारियां कैच करने के लिए मैं 3 महीने तो इंशाल्लाह लेता हूँ। 3 महीने में पेशेंट्स अल्लाह के फजले करम से बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेकर आते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान हमसे बात कर लो हमको आपसे बात करनी है जरूरी है क्या बात। बिल्कुल इंशाल्लाह भेजिए रिक्वेस्ट बात कर लेंगे इंशाल्लाह। वलीउल्लाह शरीफ भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाकिर बादशाह भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरहान भाई लखनऊ में कब आ रहे हैं इंशाल्लाह दुआ कीजिए लखनऊ का टाइम भी अलमैक इंशाल्लाह आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। फिर वालेकुम अस्सलाम खैरियत अलहमदुल्ला फिर से अलहमदुल्ला आपके वीडियो आ रहा कहाँ मैं से हैं हैदराबाद से हूँ सामने अलहमदुल्ला माशाल्लाह आपकी जो वीडियो वगैरह सब जी देखता हूँ अलहमदुल्ला अल्लाह आपको सेहत दे जी माशाल्लाह से जे आमीन वालदा आमीन। वाली साहब पूरे जो सलाम बोले आपको अलहमदुल्ला वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। वालिद और वालिदा का नाम साहब मेरे वालदा का नाम जो है नसरीन फातिमा है वालिद साहब का नाम मोहम्मद शरीफ है जी मोहम्मद शरीफ साहब जी को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि और मेरा नाम जो वरकातुहू। है मोहम्मद जुबेर और है साहब आपके अंकल जी मोहम्मद जुबेर भी तो भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात खैरियत साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है माशाल्लाह से साहब जी हो और सब करिए सर
मेरे को ऐसा आया मेरे को खराश बहुत होती रहती हर थोड़ी थोड़ी देर को एलर्जी हो रहा है ऐसा होते रहता अच्छा। एकदम ये ऐसे में बलखम आते रहता खराश होते रहती आप बादाम नहीं तो काली मिर्ची कुचल के एक गिलास दूध में डालो आधा चम्मच काली मिर्ची एक गिलास दूध में डाल के पका के लियो ये काली मिर्ची सिर्फ ये गले के लिए बने सो है अल्लाह ताला इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के लियो इंशाल्लाह शफा हो जाता बहुत खुशी है माशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला गुलबर्ग आके इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी और वो मेरी बहन को जो है जरा चर्बी कैसे खाली लुंडे कैसा आधार हकीम साहब चर्बी कैसे कट मेरे बहन को है वो दूध में लहसुन डाल के पीने के लिए बोलो उससे जो है चर्बी पिघल जाती और खून पतला हो जाता ठीक है ना बहुत बहुत शुक्रिया दादा का अस्सलाम वालेकुम तो इंशाल्लाह तो के बी है खालिद भाई वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातहू वाचिंग फ्रॉम दुबई तो इंशाल्लाह मैं रमजान दुबई में भी आऊंगा वालेकुम अस्सलाम और वालेकुम सलाम अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब्बा को परसों आके दिखा ले गया था ना सर गैस के लिए जी जी वो गैस बहुत ज्यादा चल रहा है बोल रहे ना अभी गैस सर पे पूरा गुलबर्गा से उनको ये पॉइंट पे हाँ ये पॉइंट पे दबाओ आप बताए थे ना वो पॉइंट पे दबाने देगा पीछे साइड में वो पॉइंट पे दबाओ गोश्त और तेल के आइटम से परहेज करो और उनका लीवर का प्रॉब्लम है उनको भूमि अम्ला का इस्तेमाल करो ओके ठीक है ठीक है मोहम्मद मस्तान भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कड़पा को भी इंशाल्लाह मैं आऊंगा कभी आपसे बात करनी थी सैयद साबिर जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इंशाल्लाह मुझे बीदर में लोगों से मिलना है इंशाल्लाह तो बहुत जल्द मैं लाइव जो है अभी कट करूंगा इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू खैरियत हां अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपके बहुत फॉलोअर्स हैं कल तो मेरे हस्बैंड गुलबर्गा आके दवाई भी लेके गए थे ये देखिए मेरे हस्बैंड ये है अरे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आपके खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कल मैं आपके सामने ठहरे हुआ था आप वो बच्चे से जो है ना लाइव वीडियो कर रहे थे वो बच्चा हुआ था अब्दुल खुजली थोड़ा ज्यादा हो रही पैरों पे खुजा क्या कौन सी दवा क्या खुजली के लिए दिए थे आप खुजली की दवा जी हाँ ये एल जी बोल के दवा है क्या देखो उसमें ये एल जी बोल के है ना वो सिर्फ सुबह में लेना है आपको जी हाँ एक एक ही टाइम सुबह लेना है डब्बी दिए थे एक सुबह लेना है एक डब्बी शाम लेना है वो सुबह लेने वाली डब्बी क्या करो आप आधा नींबू काट लियो अच्छा आधा नींबू काट लेके उसमें एएलजी एक दो चुटकी डाल डालो अच्छी बात है फिर वो आधे नींबू को गैस पे ऐसा पकड़ना जी अच्छा चूल्हे के ऊपर जी ऐसा पकाना पकाने के बाद पूरा निचोड़ के चाट लेना अच्छी बात है डॉक्टर साहब
वो एक ही बार में इंशाल्लाह आपकी पूरी खुजली चले जाती है। हाँ, ये एलजी बोल के है देखो उसकी। जी हाँ, जी हाँ डॉक्टर साहब है। ये एलजी, उससे इंशाल्लाह आपकी पूरी खुजली चले जाती। इंशाल्लाह आप एक बार जो है मेरी टीम से कांटेक्ट करो, अगर कुछ भी डाउट है तो इंशाल्लाह विल फॉलो यू इंशाल्लाह। नहीं, मेरे को मेरे पैरों के पंजों पे 25 साल पहले मेरे को थोड़ा ऐसा पिंपल्स के जैसा आके खुजली बहुत होती थी उसमें। अब वो बहुत सारे दवाएं खाने के बाद कम हो गया। अब उसके बाद बॉडी में एलर्जी शुरू हो गई। अब वो बॉडी के लिए कुछ खाए तो वो पैरों खुजाना स्टार्ट हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठंड का मौसम है ना, तो उसकी वजह से जो है ऐसे बीमारियां बढ़ जाते। तो घर में भी आप चप्पल पहन के घूमो, ठंडे पानी फ्रिज का आइटम से परहेज करो, गर्म पानी का इस्तेमाल करो, तो दवा और आ गई आपसे तो स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको शिफा अता करे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके हाथ में शिफा दे। मेरे छोटे बच्चे के लिए तो मैं भेंडी का नुस्खा इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत फायदा है। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अब आपकी दुआ से हम लोगों को शिफा हो जाना है बस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब और एक बात के, मेरा बच्चा 3 वर्ष का है, बड़ा बच्चा, और उनका वेट बहुत ज्यादा है। वेट ज्यादा है तो रात में सोने के टाइम पर 1 चमचा अरंडी का तेल पीकर सोने से वेट बहुत अच्छा लॉस होता है इंशाल्लाह। इससे मोशंस, लूज मोशंस नहीं होते, इससे गंदी चर्बी पूरा एक ही मोशन में निकल जाता है इंशाल्लाह। डेली रात में सोते वक्त 1 चमचा अरंडी का तेल जितना उन्हें वेट लॉस करना चाहते हैं आप इस्तेमाल करो। ओके ओके, इसे रेगुलर भी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ फिर मेरे देवर को लेके आना है वहाँ पे गुलबर्गा अपने। कल उनको आप दवा दिए थे ना, आपसे स्टार्ट कर दिए उन्होंने भी, 1 मंथ के बाद आओ बोले आप, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। याद रखिये अल्लाह आपके हाथ में शिफा दे और आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश रहे। आमीन 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 आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह खैरन कसीरन। वालेकुम अस्सलाम। तो हर एक से मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी टीम इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा तैयार है आपकी खिदमत के लिए। आप कभी भी मेरे प्रोफाइल से नंबर्स निकाल के इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कभी अगर कुछ भी ठीक से फॉलो अप नहीं हो रहे, कॉल्स अटेंड नहीं हो रहे, तो आप जो है दोबारा कॉल करें, बिकॉज नमाज में रहते यानी तो थोड़ा बिजी रहेंगे, लेकिन फिर से हम कॉल बैक कर लेंगे आपको इंशाल्लाह। तो रिजवान जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, अल्लाह आपको भी खुश रखे। प्लीज कंसीडर एज अ लॉस्ट कॉल टू मी ऑफ टुडे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल आदिल है जी। बोलिए आदिल भाई, खैरियत से हैं आप? शर्ट पे नहीं दिए, पहन लीजिए। हाँ, और खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? मेरी शादी हो के 8 साल हो गया डॉक्टर साहब जी, जब तक औलाद नहीं है, औलाद से महरूम हूँ। आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ कर दूं कि अल्लाह आपको बेहतरीन और जो है सेहतमंद और एक दीनदार औलाद अता करें। और दुआ है कि इंशाल्लाह आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके होम रेमेडीज फॉलो अप कीजिए, इंशाल्लाह आपको औलाद हो जाएगी। स्पर्म का प्रॉब्लम है, स्पर्म का प्रॉब्लम है,
कम है बोल रहे या जीरो है जीरो बोल जीरो रहे? पूरा जीरो है इंशाल्लाह। आर्जियोस्पर्मिया के केसेस को 3 to 6 months लगते, रेस्ट ऑफ ऑल केसेस इंशाल्लाह एक ही मंथ में रिजल्ट्स आ जाते। ठीक है, आप एक बार आके मुझसे मुलाकात करें इंशाल्लाह। कहाँ पे आना है वो तो? आपका कंडीशन देख के ट्रीटमेंट। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर? 8 तारीख को ये, 7 तारीख को ये महीना, 7 तारीख को मैं जनवरी 7 तारीख को रायचूर में मिलता हूँ, 8 को लीव रहता, और फिर जो है 9 तारीख को कर्नूल में। मेरी टीम से कांटेक्ट करो, वो फॉलो अप करती है। आपकी टीम का नंबर? ठीक है ना, मेरी टीम का नंबर, मेरा प्रोफाइल ओपन करने से आपको नंबर्स मिल जाते हैं। ओके डॉक्टर, ठीक है ना, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। तो औलाद के लिए जितने भी लोग जो है इंशाल्लाह कांटेक्ट कर रहे हैं, दुआ सबसे सबसे मेन है। बिकॉज एक नई जान दुनिया में आना बोले तो अल्लाह की मर्जी होना, और अल्लाह की मर्जी से ही इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन औलाद अता होती। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, और जो रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह, अगर आपकी नीयत, अगर आपकी आपका इखलास आपके साथ है, तो जरूर इंशाल्लाह 1 रुपया भी खर्च करने की नौबत नहीं आएंगी, और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन औलाद अता होगी अल्लाह ताला की तरफ से। हेलो, ड्राइविंग ड्राइविंग कर रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं गुलबर्गे से हूँ शेख, यहाँ पर से। परसों रात में आपको विस्टा कार में देखे ना, अलान चकपुर से आगे जा रहे थे आप, मैं हाथ करा आपको। मेरे हाथ पे ये कुछ, ये जो लेफ्ट हाथ है ना जी, लेफ्ट हाथ पे कुछ ऐसा गड्ढा हुए सर का, मोटा मोटा होता शेख, दबाए तो दबता ना, और दर्द कुछ भी नहीं होता। वो एक चर्बी की घंटी बोलते, लाइपोमा बोलते। जी जी जी। तो इंशाल्लाह वो पिघल जाता। अब क्या करो, दूध में लहसुन डाल के पियो। दूध में लहसुन, 1 कप दूध में 2 लहसुन के कल्याण डाल के, कुचल के डाल के इंशाल्लाह पका के 21 डेज तक का कोर्स करो इंशाल्लाह जी, उससे जो है शफा हो जाता। 21 मतलब सुबह शाम 2 टाइम लेना है या मतलब? नहीं, सुबह नहार पेट लियो बस। कब से है आपको ये प्रॉब्लम? ये कुछ 6 months हो गया। ये करो इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो 1 महीने में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत देर तक मोबाइल में जाग रही क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा कोरोना का वैक्सीन डालिए, जब से थोड़ा ठंड, बुखार, सर्दी, और हाथ में बहुत दर्द हो रहा। कब से वो कल डाले स्कूल में अपने? 1-2-3 दिन तक रहता वैसा, संभाल लेना। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है ना? क्या बोल सकते नहीं है, लो डोंट वरी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला साथ है अपने, अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ते इंशाल्लाह। मजबूरन भी डाल लेना पड़ रहा, लेकिन अच्छी बात है वैक्सीनेशन डाल लेना, नॉट ए इशू। ठीक है, तो नो वरीज इंशाल्लाह, कल तक ठीक हो जाएंगे। कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते आप, नहीं तो दालचीनी, 1-2 चकली दालचीनी, 1 चुटकी कलौंजी, 1 गिलास पानी में डाल के पका के पी लियो इंशाल्लाह,
उससे बुखार उतर जाती और दर्द भी चला जाता जी, 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 जरूर इंशाल्लाह ठीक है ना जज़ाकअल्लाह खैर अच्छी बात बारक तो बुखार की रेमेडी भी मैं डाल के हूँ तो बुखार इंशाल्लाह 5 मिनट में उतर जाता तो वो रेमेडीज भी जो है अपलोडेड हैं ऑलरेडी देख के फॉलोअप कर ले सकते हैं इंशाल्लाह और सेहतमंद तो इंशाल्लाह 100K सून इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मेरे पूरे 1 लाख जो है फॉलोअर्स होने वाले हैं फेसबुक पर आप सब लोगों की दुआ आप सब लोगों की मोहब्बत तो ये कभी नहीं भूलूंगा मैं इंशाल्लाह इस ये जिंदगी में इंशाल्लाह तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला जो है तो आप सभी लोगों के दिलों में वो मोहब्बत को पैदा कर रही और जो है मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा और जो है एक बहुत बड़ी फैमिली जो है मेरे लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में जो है सबके दिलों में मोहब्बत मैं बता नहीं सकता हूँ जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा तो ज्योति अमजद अली वालेकुम अस्सलाम सर मेरे को ब्रेन हेमरोइज है तो राइट साइड कम नहीं और तो दिमाग भी क्लॉटिंग डॉक्टर साहब पीपी बोल रहे दूध में लहसुन डाल के पीजिए ज्योति जी और मुझे कांटेक्ट कीजिए इंशाल्लाह मेरी टीम से दे विल गाइड यू इंशाल्लाह हुसैन मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहु तो ऐसा लग रहा कि मुझे हर रात लाइव आना पड़ता आप लोगों से सभी से बात करने के लिए आलम शेख भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु खैरियत कैफ कैफ मैं आपसे खुश नहीं हूँ क्यों क्या हो गया बताइए व्हाट हैपेंड सबा खान जी प्लीज मेरे से बात करिए मोहम्मद इब्राहिम भाई इंशाल्लाह बिल्कुल बेस्ट टीम अताउल्लाह खान सर जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा फॉर सेहतमंद अली तौसिफ मीर भाई वालेकुम अस्सलाम यू आर सर्विंग टू कम्युनिटी माशाल्लाह माशाल्लाह सैयद उज़ैर भाई जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा इट्स माय ड्यूटी के इंशाल्लाह जब तक मेरी जान है आई ऑलवेज बी प्रोवाइड माय सर्विस टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी इंशाल्लाह इनामदार जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सर मैं करीमनगर से बात कर रहा हूं तेलंगाना से मैं बहुत बड़ा आपका फॉलोअर हूं सर बहुत जजाक अल्लाह खैरन कसीरा खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे हो सर अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक जी सर मेरी फैमिली सब कुछ आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत दिन से गुजार रही है बट आपसे कभी मुलाकात मतलब कैसा मुलाकात होती हम तेलंगाना से बात कर रहा हूं मैं तेलंगाना में तो मैं नहीं हूँ इंशाल्लाह मैं कहाँ पे भी आऊंगा मैं आपके लिए तो कहाँ पे भी आऊंगा क्योंकि आपके ऐसी जो शख्सियत के लिए मैं कहाँ पे भी आने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप जो मुसलमानों की जो वो है कि बता नहीं सकता हूँ उतनी वो है आप जी इंशाल्लाह क्योंकि कर्नूल और बीदर और रायचूर में मैं पेशेंट्स को बहुत कम टाइम देता हूँ अच्छा अब ऐसा हो गया कि गुलबर्गा में भी बहुत कम टाइम दे रहा हूँ लोगों को जी 1 मिनट 2 मिनट ऐसा छोरा तो गुलबर्गा में थोड़ा आराम से 2-3-4 ये 3 दिन मुलाकात होती है हर महीने की जी, तो जी, सोच रहा हूँ अगर फ्यूचर में हो सके तो डेट्स बढ़ा दूं जी, लेकिन नो प्रॉब्लम आ जाइए इंशाल्लाह आपसे जो है बात करेंगे कर्नूल में 9 तारीख को जी जी क्योंकि मेरा एक औलाद का मसला था उस वजह से मैं आपसे मुलाकात करने के लिए No worries, inshallah, inshallah. अल्लाह से लड़ के लेंगे कते अल्लाह के बंदे हैं इंशाल्लाह आमीन आपकी बात को आमीन करें आपकी जबानी बात को हमको बहुत मेहनतों से आपका कॉल मिला बहुत कीमती बात क्योंकि दूसरे लोग को भी वक्त देना पड़ता है इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ
नहीं, मेरा काम है आप लोगों की खिदमत करना, आप लोगों को खुश देखना। आपके जो मैं आपके ऊपर एक ही क्या गौर कर रहा हूँ बोलते, जब किसी से बात करने के टाइम पे आप इतनी पेशेंसी से बात करते, इतनी मुस्कुराहट से जो बात करते ना, वो मैं आपके ऊपर बहुत फिदा हो गया, क्योंकि इंसान का आपको देखने के बाद आधी बीमारी चले आती। खैर आप करने की तो टाइम पे आपका दवा तो काम करता, बट आपसे बात करने के बाद में आधी बीमारी चले आती, मैं उसका गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो आप डॉक्टर की बात यही होती है कि जो दवा के बाद में कम होता, मगर पहले जो हिम्मत देते ना, उससे आधी बीमारी चले जाती है आगे आगे वाले पेशेंट की। वही है मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि डरना तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, नहीं तो लोगों के दिल में जो है हिम्मत को पैदा करना, और ये दुनिया कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत है ये बताना, अल्लाह की बनाई हुई हर एक नेमत जो है एक काम की है, तो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना और अल्लाह की पहचान कराना, यही मेरा काम है लोगों को। बस वो काम करने से ही अल्लाह ताला इतनी जो है शिफा अता कर रही लोगों को, और आप सब लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत को पैदा कर रही। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह आप जैसे लोगों से जो है मेरा कनेक्शन रख रही, और अल्लाह ताला इसी तरह हर एक से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक बात डॉक्टर साहब, हमारे अहलिया को सिस्ट का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह, कुछ भी हो इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन ये हाथ में अल्लाह ताला वो फन दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान, हर एक इंसान मुसलमान ने हर इंसान ये फन को सीखे, इसीलिए मैं हर एक चीज सिखा रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जितना भी इलम मेरे अंदर, हमें हर एक चीज सिखाऊंगा। बस अल्लाह से दुआ है कि मरने से पहले अल्लाह ताला जितना इलम से मुझे नवाजे हैं, ये सारा इलम मैं वो हर एक इंसान तक पहुंचाऊं जो इस इलम की तलाश में है इंशाल्लाह। और एक डॉक्टर साहब, आज ज्यादा वक्त के लिए आपसे मुलाकात, मतलब तफसील से आपको बात करने के लिए हम कहाँ पे आके मुलाकात करें तो बेहतर रहता? आप जो है गुलबर्गा में आ सकते हैं, बट फ्लो वहां पर भी बढ़ गया, बेटर है आप जहाँ पे मेरे रहते हो वहाँ पे आ जाओ। आपका नोटिफिकेशन आता ना, आप अवेलेबल लीडर के तारीख जी नहीं, आपका मतलब कहाँ पे अवेलेबल है कि हम कांटेक्ट करके आना पड़ता क्या डॉक्टर साहब आपकी टीम के साथ? हाँ, आप डायरेक्ट मेरे प्लेस पे आ गए तो इंशाल्लाह मैं मिल जाता हूँ आपको, वहाँ पे रह गए तो मैं पूरे पेशेंट्स को खत्म करे तक नहीं जाता हूँ, काम भी सारे पेशेंट्स खत्म करके जाता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला और आपको ताकत दे हर एक जो पेशेंट्स को आपका आपका जो इलाज पहुंचना बोल के, मैं यही दुआ करूँ कि आपके जैसे लोग और भी लोग तैयार हो, मगर आपको अल्लाह ताला बहुत, आपको बहुत नवाजा है इंशाल्लाह, और भी अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। आप इतनी खिदमत कर रहे हैं कि हर एक आप लोग, आपके साथ दुआ है हर एक जनों की, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट भी देख रहा हूँ, जो आपकी फॉलोइंग भी देख रहा हूँ, आपका हर एक वीडियो मिस नहीं करता मैं, एक भी वीडियो आपका इतना भी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ कि 5 सेकंड भी फॉरवर्ड नहीं करके हर एक वीडियो मैं देखता हूँ मैं आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो देखने के बाद में मेरे को इतनी खुशी होती कि जो फेस, आपका फेस को देख के जो बात करने के लिए, तो मैं तो बहुत तरस गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मैं फोन में बात करूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे को मौका दिया तो आपके सामने आके मैं बात करने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, मेरी कोशिश पूरी होना बोल के आप भी दुआ करिए इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात करना मेरे को आसान मिलना बोल के वो भी दुआ करिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट कब को भी रहना बोल के हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन, जजाकअल्लाह। दूसरों का भी वक्त मैं ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मेरे से बात करने के लिए। आप थोड़ा, मैं इंशाल्लाह मैं आपको आने के बाद जरूर मिलूंगा। जजाकअल्लाह खैर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश डॉक्टर साहब। जरूर जरूर इंशाल्लाह, तो रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी कॉल कट करिए, तो मैं और एक चार लोगों से, ठीक है, कितनी मोहब्बत है आप सब लोगों से कि नींद भी नहीं आ रही मुझे। कल पेशेंट्स को भी देखना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो और लास्ट रिकॉल्स अटेंड करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम जी, हम परवेज अहमद बोल रहे हैं। अहमद जी खैरियत से हैं आप?
हम जो है आपसे दवा मंगाए थे, 15-20 दिन हो गए। ये हमारे जी क्या प्रॉब्लम? गर्दन के पीछे जो है ना, कान के पीछे ये जी गांठ है, गांठ हो गई है, जी इसी के लिए हम दवा मंगाए जी थे आपसे। आपने एक काला तेल दिया है और एक एक्स करके पाउडर है, तो जी इसको कैसे जी यूज करना अभी तक हमें पता ही नहीं चल पाया, तो इसी के लिए ठीक जी है। आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। कांटेक्ट आपका नाम किया बोलो, सर हमने, हमने टीम से जो आपका आपका नाम बोलिए। परवेज अहमद जी, परवीज अहमद कहाँ से हैं आप? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी से। कितना, 15 दिन पहले मंगाई क्या हाँ, आप? 15-20 दिन हो गए दवा है हमारे पास। ठीक है, मैं टीम से इंशाल्लाह बात करूंगा, हाँ बात करके आपको कॉल करेंगे, जी ठीक है ना? वेट कीजिए हमारे कॉल। जी ठीक जी आपको भी हम बहुत फॉलो करते हैं सर जजाक अल्लाह खैर। जी। परवेज अहमद, अच्छा तो रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी टीम से कि शाहिद और आसिम 15 दिन पहले जो भी पेशेंट जो है, अभी मैं नाम लिया हूँ परवेज बोल के, उनसे कांटेक्ट करें और उनको दवा इस्तेमाल करने का तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह मैं कैंप में होने की वजह से जो है पेशेंटों का अपडेट इंशाल्लाह जैसे ही कैंप खत्म होगा इमीडिएटली मैं जो भी दवा मंगाए हुए हैं इंशाल्लाह उन सबको एक बार जो है फॉलो अप करूंगा। लास्ट टू ये कॉल, इसके बाद फिर से एक कॉल इंशाल्लाह मैं लूंगा अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से डॉक्टर साहब। आपका फैन? अल्लाह का एहसान है जी जी डॉक्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल आया था गुलबर्गा, निजामबाद से हूँ मैं। तीन को आया था जी मैं 3 तारीख को आया था गुलबर्गा जी 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 याद है मुझे जी। आपसे मेरे वाली बताइए। साहब को थोड़ा मतलब पार्किंसन की डिसीज थी जी तो जी बहुत परेशानी थी 20 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह उनका घुटने का दर्द चले गया और शेकिंग बहुत ज्यादा थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रात में बहुत नींद। खराब है ना तबीयत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो डॉक्टर साहब असल मेरे बड़े भाई खतर में रहते हैं, तो उनको जी 1-8 दिन से कान में दर्द था, तो अभी 3 दिन से कान में से पानी जा रहा, वो खतर में है अभी, जी तो वो टेंशन। तो आप क्या मेरी टीम से कांटेक्ट करो इंशाल्लाह, वो रेमेडी आपको सिखा के देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? कान की रेमेडी है ना, तो थोड़ा नीट से फॉलो अप करना पड़ता। एक पीडीएफ भेजा लियो, उसमें पूरा जो है अपलोडेड है, तो वो फॉलो अप करते हैं आपको इंशाल्लाह, ठीक ठीक है ठीक है ना? डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मैं ये बोल रहा था, आप जो दिए मेरे वालिद साहब को ये पार्किंसन का, वो 1 महीने का हो जाने के बाद आपसे फिर आके मिलना जरूरी है या फिर सेम दवाई मंगा लेना है? मंगा ले सकते हैं आप, बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन मंगा लो, 3 महीने रेगुलर करके 3 महीने बाद मुझे मिलो अच्छा, इंशाल्लाह। 3 महीने सेम दवाई मंगा लेना, पूरी एक भी कम नहीं करना उसमें से। नहीं, एज इट इज 3 महीने वही दवा। अच्छा अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब। मैं आपसे बहुत ट्राई कर रहा था लाइफ फॉलो करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह जज़ाक आपको अल्लाह, खुश रखे डॉक्टर साहब, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट एक कॉल इंशाल्लाह, सोना है जल्दी, दुनिया को सिखा के मैं खुद जो है रूल्स का पालन नहीं कर रहा हूं, तो सब लोग जल्दी सो जाओ, सेहत के लिए अच्छा है। तो कोई जुड़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह लास्ट एक कॉल। जुबेर खान भाई वालेकुम अस्सलाम, समीर खान भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। You are serving
you are serving to all community, not a single community. That's great. Allah has chosen his favorite slave to you. If you can, if you see me, you can recognize me. Uzair, Mumbai, Thane se. Can we have a call? Sure, sure, Uzair, inshallah, sure. If you agree, we can connect them. Uzair bhai, to Sayyid Uzair hai. Shah Babar ji, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairiyat? Alhamdulillah, aap khairiyat? Allah ka ehsaan hai, alhamdulillah. Kaise chal raha kaam aapka? Ji ji, alhamdulillah, alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी. वो मैं आपसे मिला था, शायद आप पहचान लिए मेरे को. आपका हाँ, याद है यार, मुझे याद है, याद है, याद है मुझे. आप याद है मुझे. बताइए क्या हाल है, कैसी है तबीयत वगैरह आपकी? मुंबई में मिले थे हम 22nd को. अल्हम्दुलिल्लाह जी जी. एको रही शायद हमारी वॉइस, एको रही शायद. एको आ रहा. आप जो है ये निकाल लियो, इंशाल्लाह ठीक से सुनाई देगा आपको. ब्लूटूथ ठीक से निकाल लियो, इंशाल्लाह जी. अभी अभी मेरे ख्याल से हो गया डिस्कनेक्ट. अभी अभी सही हो रहा ना? हाँ अभी अभी आ गया, अभी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सही है. हाँ बोलिए अभी. हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब, मेरे फ्रेंड्स और हम सब आए थे, तो मैंने आपको इंशाल्लाह इनके सबके रिपोर्ट आपको भेज दूंगा. हर एक के कॉल में मतलब मैं अपडेट ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आपको मैं व्हाट्सएप पे किया हूँ. और मैंने कुछ आप शायद बिजी थे 126 गुलबर्गा पे, मेरे को लगा तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल के रखा हूँ. कुछ आप होम रेमेडीज बताए थे और मैंने आपको बताया भी था डायरी में, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेंटेन करके रखा हूँ करके के यू आर सर्विंग टू दी ऑल कम्युनिटी, नॉट अ सिंगल कम्युनिटी. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ में अल्लाह ने दिया, आपको चूज किया खास अपने बंदों में अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं भी वही नोट्स मतलब मैक्सिमम लोग को जैसा 5 लहसुन दूध में डाल के सबको मैं बता रहा हूँ, फिर मेथी के फायदे जो आपने दिए थे, यूरिक एसिड का जो अल्हम्दुलिल्लाह सबको भेज रहा हूँ. तो अभी इंशाल्लाह मैं कमिंग, आप जब आएंगे इंशाल्लाह मैं, और हमारी मेरा एक ये दिली चाहता है कि आप सबकी खिदमत करें, हमको भी एक मौका दीजिए खिदमत के लिए. एक दिन महीने में हम भी इंशाल्लाह आपको मतलब जो भी लाना ले जाना, मैं खुद थाने में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताया था एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ मैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको आप हमारे को मतलब एक भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के खिदमत का मौका दीजिए इंशाल्लाह. मैं तो इंशाल्लाह मैं आपको मतलब उसमें उसी में चाह रहा हूँ कि जो भी है आपका हम ये इंशाल्लाह. और मैं आपको ये आपने जो काली जीरी मेरी बहन को एक्चुअली मैं आपको भेजा भी था कि बहन को पर्सनल मिलना था, उसको भी बहुत जमाने से उसको ये है इचिंग का इशू है मुँह पे, तो आपने काली जीरी और 5 लींबू बोले थे, तो मैंने काली जीरी को भी पीसा, उसका पाउडर बनाया और उसमें 5 लींबू डाला, लेकिन वो फंगस जमा हो गया. आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, 2 दिन में फंगस उसमें जमा हो गया. इमीडिएट अप्लाई करना है, रखना नहीं है उसको. अच्छा अच्छा, तो मैंने 100 ग्राम लाया था, तो थोड़ा थोड़ा लाके मतलब थोड़ा पेस्ट लेके थोड़ा उसमें डालो क्या? हाँ, ऑन स्पॉट पे यूज करना है उसको. अच्छा 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 अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बस वो मैं आपको आपने जो नंबर दिए थे उस टाइम पे मेरे डायरी पे, आप एक मेरा मोबाइल लेके किए थे, तो मैंने आपको इस पे डाला हूँ व्हाट्सएप पे. और इंशाल्लाह मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे साथ आए थे, और उन कमी जो शुगर के एक कैंसर का पेशेंट भी था, और बाकी के एक अल्जाइमर था, एक वो जो मैं आपको वीडियो कॉल कराया था सारा होटल का मुंबई का. हाँ, तो इनके सबके इंशाल्लाह मैं ऑडियो लेके आपको उनके अपडेट दे दूंगा 21 तारीख इंशाल्लाह. कैसी लग रही सबकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आप ये 126 में बिजी थे ना, मैं सोचा सैटरडे संडे लूं, मेरे को लीव थी, लेकिन मैं सोचा आप फिर गुलबर्गा में है फिर बिदर में, तो आप 7 के बाद इंशाल्लाह मोस्टली फ्री रहेंगे. हाँ, तो मैं उसके बाद इंशाल्लाह आपको ऑडियो भेजूंगा, इससे मैं बात किया हूं.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भेज दीजिए इंशाल्लाह, मैं देख के फॉलो अप करते ठीक है ना। और खिदमत का मौका दीजिए, एक ही दिन का आप पूरी आप सबकी खिदमत करें, हमको आपकी खिदमत करना बस, तो एक बहुत बड़ा हमारे को इंशाल्लाह सवाब मिले अल्लाह की तरफ से। बस अल्लाह के लिए कर रहे, आप भी अल्लाह के लिए कर रहे, हम भी अल्लाह के लिए करना चाह रहे, और ये आप सबकी दुआ ले रहे, आपकी दुआ हम ले लेंगे तो वही हो जाएगा इंशाल्लाह, हम भी आपके इसमें आ जाएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो मैंने आपको भेजा हूँ इंशाल्लाह, आप जब भी फ्री होंगे आप व्हाट्सएप देख लीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह आपका ज्यादा वक्त। बिल्कुल हाँ, मेरी एक्चुअली मेरी बहन को भी 20-25 साल से पैचेस है, उसको भी लाना था, लेकिन वो आपको सिंगल में वो मिलना है, तो वो रेमेडीज के लिए कैसा आप मेरे को यूट्यूब मतलब पर्सनल पे भेज सकते हैं कि फिर 21 को इंशाल्लाह मिलाओ, मैं थोड़ा फ्री होके इंशाल्लाह मैं पर्सनली भेज देता हूँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी 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 आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ करके मजमा ज्यादा है हमारी बेटी का भी सलाम एक्सेप्ट कर लीजिए कर अरे बेटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारा भांजा भी है एक क्लास अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी डॉक्टर मिले जी अस्सलाम जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा इंशाल्लाह। तो कल बीतर पे मुझे जो है आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होना है, तो मैं थोड़ा जल्दी सोता हूँ, तो इंशाल्लाह फजर के बाद इंशाल्लाह कल मिलेंगे बीतर में, 6 तारीख को बीतर, 7 तारीख को ये महीना रायचूर में इंशाल्लाह, 8 तारीख को नहीं देखूंगा रायचूर में, और जो है इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं कर्नूल में मिलूंगा। अस्सलाम।